भारत विकास परिषद प्रज्ञा शाखा द्वारा आज सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला में पारिवारिक होली मिलन समारोह तथा शाखा का अधिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें प्रज्ञा शाखा के लगभग सभी सदस्य सपत्नी और बच्चों सहित उपस्थित रहे, जिसमें बच्चों के लिए गणित दौड़ प्रतियोगिता, गुब्बारे फूड़ो प्रतियोगिता, चम्मच पर नींबू रखकर दौड़ प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए तंबोला और पति पत्नियों के लिए सहभागी रूप से सुई धागा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों में सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। उनका नाम है शुभांजलि। शुभांजलि दूसरे स्थान पर आई है और आन्या बघेल, आन्या बघेल फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि प्रथम है इस प्रतियोगिता में। दोनों बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोनों ऊपर आ जाएं। तथा कार्यक्रम के अंत में वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा पुष्प होली तथा पुष्प वर्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बहुत मुश्किल होता है अपनी पहचान मिटा दूसरों के रंग में रंग जाना, बेटी से बहू में ढल जाना। पहले तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं होली की दे दूं। आप लोगों की सूचनाएं भेजते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हार्दिक इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। हमारी जो परंपराओं पर थोड़े से बादल छाते जा रहे थे, उनको आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी भी परंपराएं फिर से विकसित हो रही हैं। और यहाँ आज प्रज्ञा ट्रस्ट के द्वारा हमारे पारंपरिक कार्यक्रम जो बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, होली का पर्व, उस पर आज यहाँ पर महिला पुरुषों ने सभी प्रतियोगिताएँ रखी। प्रज्ञा संस्थान द्वारा ये होली मिलन कार्यक्रम आज रखा गया है। प्रज्ञा ग्रुप के द्वारा साहित्य और काव्य क्षेत्र में बाकायदा हर समय गोष्ठियाँ होती रहती हैं। साहित्य के माध्यम से हम समाज के अंदर जो भी बुराइयाँ हैं उनको कविता के रूप में ढाल के उनके निराकरण के लिए कुछ कविताएं बनाते हैं, और लगातार बहुत छोटी उम्र के बच्चों से लेके हम परिपक्व लोगों तक सभी उम्र के लोग इससे जुड़े हुए हैं। सुविख्यात कवि भी इससे जुड़े हुए हैं और छोटे बच्चे भी इससे जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार उत्थान का कार्य करते हैं। और इस होली मिलन कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसकी डिफरेंट प्रतियोगिताएं करा के एक तो होली को एक नया रूप दिया है और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को भी प्रफुल्लित किया है। प्रज्ञा हिंदी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट ने आज ये होली मिलन समारोह रखा है, जिसमें बच्चों के लिए विविध प्रकार की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई, जैसे बॉल फेंको प्रतियोगिता, फल खाओ प्रतियोगिता, सुई धागा प्रतियोगिता भी बड़ों के लिए हुई,
उसमें पीएस ने भाग लिया। इसके अलावा गायन नृत्य की भी प्रतियोगिताएं हैं और उसके बाद ब्रज की होली का भी कार्यक्रम है और उसके साथ ये भोजन का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो कुल मिला के आज का ये जो आयोजन है ये इसलिए रखा गया था कि प्रज्ञा संस्थान ट्रस्ट के सभी सदस्य सपरिवार इस होली मिलन समारोह में आ सकें और एक दूसरे से मिल सकें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इन कार्यक्रमों में कि हम लोग अकेले ही आते हैं, परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। तो आज ये पहली बार ऐसा हुआ है जब परिवार के सभी सदस्य भी एक साथ जुड़े हैं और मैं प्रज्ञा सेवा संस्थान ट्रस्ट के सभी सदस्यों को, संरक्षकों को, सबको बधाई देना चाहूँगा ऐसे आयोजन के लिए और उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में भी इस तरह के आयोजन होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत विकास परिषद प्रज्ञा शाखा की तरफ से अधिष्ठापन और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आज शिशु मंदिर प्रांगण में रखा गया, जहाँ सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया, प्रतिभाग के साथ साथ अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की, जैसे किसी ने गायन प्रस्तुति, किसी की नृत्य प्रस्तुति की। उसके बाद गेम्स हुए और यहाँ के शहर के कई विख्यात लोग उपस्थित हुए और कार्यक्रम का सभी ने आनंद लिया और हमारा कार्यक्रम सफल रहा है।